अलीगढ़ पहुंचे नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने योगी सरकार के 100 दिन कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। नगर विकास मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के विकास कार्यों की बदौलत ही जनता ने लगातार दो बार बीजेपी को सत्ता दिलाई है। 37 साल पर बीजेपी की सरकार लगातार दोबारा बनी है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि अलीगढ़ सहित 5 जिलों में हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता किया गया। सिंचाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अलीगढ़ जिले में 31,299 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं 100 दिन के काम से पूर्णतः संतुष्ट हूँ पूरी सरकार के कामों से और हमारे अपने विभाग के कामों से, दोनों ही क्षेत्र में हुए कामों से मैं पूर्णतः संतुष्ट। सर, चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि किसानों की 50% बिजली माफ होगी, बिल माफ होगा, क्या उस दिशा में हम चरणबद्ध रूप से काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से ट्रांसफर घोटाले में बात सामने आ रही है, अलीगढ़ जनपद में भी कई जो वो अफसर हैं जो गृह जनपद में उनको तैनाती मिली हुई है, क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई बात होगी तो उस पर व्यक्तिगत अफसरों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हैबिटेट सेंटर नगर निगम की अपनी जगह पे बना हुआ है, नागरिकों की सुविधा के लिए बना हुआ है। सारे जनप्रतिनिधियों से संवाद करके, जिला प्रशासन से संवाद करके बताया, किसानों को सिंचाई देने की और पानी देने की जितनी बेहतर व्यवस्था योगी सरकार में हुई है उतनी कभी पहले नहीं हुई। बिजली कर्मचारी हमारे परिवार के भाग हैं और मैं, आपने जैसा कहा सुना कि बिजली की इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक विद्युत आपूर्ति करने में हमारे बिजली कर्मचारियों का बहुत बहुत योगदान रहा है। वो हमारे परिवार के अंग हैं, जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं।